फ्यूचर, फ्यूचर को लेकर हम काफी वरीड हैं आजकल इस समय में, कोरोना के समय में, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं और बहुत ज्यादा काम और वैकेंसीज नहीं हैं, तो इसको बहुत ज्यादा वरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगा फील्ड में फ्यूचर बहुत अच्छा है और ये एज ए करियर बनाने का बहुत अच्छा मौका है। और ये क्यों है और कैसे है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इस समझ को करियर में हम लगा सकें और ताकि इसे हम कह सकें ये भी एक समझ योगा है। सो ये क्यों है, क्यों है? क्योंकि आप समझ सकते हो कि योगा एक फिटनेस फील्ड है और फिटनेस फील्ड मतलब हेल्थ से रिलेटेड, और हेल्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ में। एज ए ह्यूमन काइंड हेल्थ हमारी हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। बस क्या है, ये थोड़ा ग्रेजुअली इंप्रूव हुई है, थोड़ा शायद धीरे धीरे हुई है, इंप्रूव हुई है। सो हम कहीं ना कहीं इतने सालों से इसको इंप्रूव करते हैं और एक लेवल पे पहुंचे हैं और इस फील्ड को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और आप समझ सकते हो कमिंग योगा डे में भी, योगा डे के हिसाब से, क्योंकि योगा डे भी बन चुका है, तो आप समझ सकते हो कि योगा की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज है। अब लेकिन इसकी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि क्योंकि ये एक डायरेक्ट जंप होने वाला है, क्योंकि ये समय ऐसा है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को डिमांड कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस को डिमांड कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा केयर और हेल्थ को लेकर इंपॉर्टेंस लोग देंगे और देना ही पड़ेगा, तो आप समझ सकते हो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, और वो भी एक जंप की तरफ, एक बहुत बड़ी जंप, एक बहुत बड़ी जंप लगने वाली। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज और बहुत ज्यादा वर्क निकलने वाला है, और ये इस तरह से निकल सकता है जैसे कि अभी कुछ चीजें शायद इसमें ना हो, हम शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे हमने देखा नहीं है, शायद इसका असर थोड़ा कम भी हो, लेकिन ये जो असर एज ए फील्ड में आएगा योगा को लेकर, ये तो बढ़ेगा ही। तो ये किस तरह से हम इसको अटेंड कर सकते हैं, जैसे शायद हो सकता है क्लासेस उतने ना चले, और बट ये जो पर्सनल है, एट होम है, ये घर पर जाकर सिखाना या फिर पर्सनल टीचिंग कह सकते हैं, या फिर ऑनलाइन सेशंस लेना है, ऑनलाइन सेशन जैसे आप जूम वगैरह पे, या स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं इसको ऑनलाइन, जैसे अभी गूगल मीट भी है, तो इसके थ्रू भी आप ले सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा आपको एक एज ए अर्निंग दे सकता है, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। देखो ये नए अगर जो हैं वो फील्ड में आना चाहते हैं वो तो आ ही सकते हैं इसको समझकर, लेकिन ये उनके लिए भी है जो ऑलरेडी टीचर है, बट उनके लिए थोड़ा सा ये समझना होगा कि अभी उनकी टीचिंग को लेकर थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये टीचिंग जो अब उनकी जो एक फिक्स टीचिंग रही है, ये पॉस्चर सिखाना है, ये करना है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद आप क्लासेस में आते थे या पर्सनली कराते थे वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाती थी, ऑनलाइन कराना है तो हो सकता है वो सारी चीज ना हो, बट हमें रिजल्ट तो वही देना है, योगा भी वही देना है। सो हम जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो है 24 घंटे योगा। तो 24 घंटे में आप समझ सकते हो एवरी मोमेंट, एवरी हार, यानी कि एवरी मिनट्स और सेकंड्स जो है, हर पल हम एक नई चीज कर रहे होते हैं, जैसे बात करते भी इसको कैसे योगा में कर सके, ताकि हम चीजों को ढंग से एक रिलेशन बना पाए, हर चीज की कैसी सोच होनी चाहिए, सारी मेंटली स्ट्रेस ना हो, डिप्रेशन ना हो, बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर इसको हर जगह से हम हर एंगल में हर टूल, ना कि सिर्फ जो फेमस टूल और पॉस्चर्स यानी कि आसन्स और प्राणायाम, यही दो टूल, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये प्राणायाम और आसन्स ही सिर्फ योगा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ नहीं, ये दो फेमस टूल हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि कहीं आपको जाना है, जैसे आपको आपके घर से आपके स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना है, तो वहां पे ऑप्शन ऑटो का भी होता है, बस का भी होता है, और चलने का भी होता है, पर्सनल व्हीकल होता है। तो हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा फेमस और आपके लिए यूज टू हो गया हो आपकी पर्सनल व्हीकल, बट ऑटो भी है, तो हो सकता है वो अब नहीं पॉसिबल, तो आपको ये सारे ऑप्शंस लर्निंग होगी करनी होगी, तो ये आपके लिए
भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बट ये चेंजेस लानी होगी, और पुराने जो ऑलरेडी हैं उनके लिए, और जो लोग नए नए हैं इसमें फील्ड में नहीं है, बस थोड़ी हल्की फुल्की जानते, वो भी ऐसे करियर बना सकते हैं लर्निंग का, और ये समय बहुत अच्छा है, बिकॉज जिस तरह से ये अनलॉक वन है, ये खुल रहा है, तो आप देख ही रहे होगे आपके एरिया में कि धीरे धीरे चीजें खुल रही है, क्योंकि एक तरह से थोड़ा सा डर भी है, तो ये थोड़ा सेटल होगा धीरे धीरे, तो लोग बाहर आएंगे, तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा समय लगेगा धीरे धीरे वैसा पहले जैसा नॉर्मल होने के लिए, प्रिकॉशंस और सेफ्टी के साथ जरूर वो चीजें होगी, लेकिन डर एक कारण के वजह से ये धीरे धीरे आपको थोड़ा सा सराउंडिंग में दिखेगा कि लोग आएंगे, तो उस तरह से फील खुलेगा, तो ये एक समय है, तब तक आप जैसे भी अनलॉक है, आपको इसका एक आप देख रहे होगे लीगली सारी चीजें ओपन हो गई हैं, मैं उन एरियाज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये ग्रीन जोन्स और जहाँ पे ये कंटेनमेंट एरिया नहीं है, वहां की बात कर रहा हूँ जहाँ लीगली गवर्नमेंट ने ये चीजें बता तो दी है, लेकिन फिर भी उतनी हलचल नहीं दिख रही है, और उतने लोग नहीं है, सिर्फ वही निकल रहे हैं जो बहुत ज्यादा जॉब और सीरियस हैं लेकर, मतलब बेसिकली इमरजेंसीज उतना ज्यादा नहीं है, बट ये धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें वापस होने वाली है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये समय है, शायद ये 1 महीने तक इसका थोड़ा असर दिख सकता है, तो तब तक जो 1-2 महीने हैं आप इसको लर्निंग में, नए लोग लर्निंग में, ऐसे हमारी भी योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स है जो लेकर 24 घंटे को लेकर टारगेट करती है, तो ये चीज आप लर्न कर सकते हो और ऐसे इसमें करियर बना सकते हो जैसे ही, क्योंकि ये जंप स्टार्ट होने वाला है, और जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो पर्सनल टीचिंग या फिर ऑनलाइन को भी होप कर सकते हैं, मे बी पर्सनल टीचिंग तो होनी ही है, तो ये सारी चीजें होंगी, और पर्सनल टीचिंग में आपको इस नॉलेज की बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनलाइज, एवरी पर्सन आर डिफरेंट, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट एबिलिटी, तो आपको अपने सीखने का तरीका बदलना होगा, सोचने का तरीका बदलना होगा, तो ये 24 घंटे आपको इसको समझना पड़ेगा, तभी आप कुछ बेटर और अच्छा कर सकते हो, तो इसमें एक अच्छा करियर आप बना सकते हो योगा में, तो हम चाहेंगे कि आप इसको करें, और क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज और ये सारी चीजें आने वाली हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या है ये चीज। सो आई होप कि मैं किसी तरह से आपको इस क्राइसिस से थोड़ी मदद दे पाऊं और ये समझा पाऊं कि ये चीजें समझ के थ्रू कि ये चीजें कैसे आपको हेल्प कर सकती है।